नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत क्लास 8वीं की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 10 बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेंगी। नीति नवनीतम, बहुत ही सरल सा ये चैप्टर है। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अब हम इसका श्लोक नंबर 1 शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बहुत ही आसान सा ये श्लोक है। अभिवादनशील व्यक्ति की या प्रणाम करने वाले व्यक्ति का या फिर हम कहें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाले व्यक्ति का, वृद्धो उपसेविन और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति का नित्यम हमेशा, चत्वारि तस्य वर्धन्ति, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति बड़े बूढ़ों का अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है, उनका मान सम्मान करता है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उनकी आयु, विद्या, यश और बल हमेशा ही बढ़ता है। अब देखो श्लोक नंबर 2, ये भी बहुत ही आसान है। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम ने तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतई रपि। कि मनुष्य के जन्म पर माता पिता बहुत ही अधिक कष्ट सहते हैं, ने तस्य निष्कृति उस कष्ट का निस्तार शक्या कर्तुम वर्ष शतरेपि, वह व्यक्ति 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता है। अर्थात उनका ऋण 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता है। माता पिता एक बच्चे को जब जन्म देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वह कष्ट सहते हैं, वह बच्चा उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है या वह उसका ऋण नहीं चुका सकता। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यस्य च सर्वदा, ये 2 शब्द हैं, तेषु प्लस एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। यहाँ पर माता पिता को भी लिया गया है, तयो माता पिता, ठीक है। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्य च सर्वदा, माता पिता का और आचार्य अपने गुरु का सर्वदा हमेशा प्रिय प्रिय या भला करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, जब ये तीनों संतुष्ट होते हैं, तप है सर्व समाप्यते, तब सभी तप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हमें अपनी सभी समस्याओं का फल, सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। यानी कि जब हम अपने माता पिता और अपने गुरु की हमेशा उनका अच्छा करते हैं, उनका भला करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जब हम उनको संतुष्ट कर देते हैं तो हमें हमारी सारी तपस्याओं के फल मिल जाते हैं। अब देखो, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत विद्यात समासीन, ये 3 शब्द हैं, एतत विद्यात समासीन लक्षणम सुख दुख यो। देखो, जो व्यक्ति दूसरे पर आश्रित रहता है या हम कहें कि दूसरे पर डिपेंड रहता है, वह व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो अपने आप पर आश्रित रहता है, जो सेल्फ डिपेंड होता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। एतत विद्यात समासेन, सुख दुख के समासेन संक्षिप में यही लक्षण विद्यात जानने चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड है वह हमेशा ही दुखी होता है, दूसरे पर आश्रित व्यक्ति हमेशा ही दुखी होता है, परंतु जो सेल्फ डिपेंड है वह हमेशा ही वह व्यक्ति सुखी रहता है। सुख दुख के यही लक्षण जानने चाहिए। यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अब देखो, ये भी बहुत ही अच्छा श्लोक बताया गया है।
कि वही कार्य करने चाहिए परितोषो अंतर आत्मा, जिससे तुम्हारी अंतरात्मा परितोषो संतुष्ट होती है। यत कर्म वही कर्म कुर्वतो, करिए वही कार्य करिए जिससे तुम्हारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, उसी कार्य को करने में हमेशा ही प्रयत्न कीजिए। विपरीतम तु वर्जयेत, इसके विपरीत सभी कार्यों को त्याग दीजिए या छोड़ दीजिए। जो कार्य में तुम्हारा मन नहीं लगता है उन कार्यों को त्याग दीजिए। दृष्टिपूतम नेस्तपादम, वस्त्रपूतम जलम पिवेत, सत्यपूतम वद, ये भी दो शब्द हैं, वदेत प्लस वाचम, मन है पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम नेस्तपादम, यानी कि दृष्टि से पवित्र होकर के पैर रखने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आँखों से अच्छे प्रकार से देखकर ही रास्ते में पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिवेत, और कपड़े से अच्छे प्रकार से छानकर ही जल पीना चाहिए। सत्यम पूतम, ये दो शब्द मैंने बताए थे, वदेत प्लस वाचम, बोलने चाहिए, सत्य से पवित्र ही शब्द बोलने चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अच्छे प्रकार से देखकर ही पैर रखना चाहिए, और जल को हमेशा छानकर पीना चाहिए कपड़े से, और सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ये था आपका चैप्टर नंबर 10। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल था, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इसका हिंदी अनुवाद करा दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।